देख रहे हैं अपना मनपसंद चैनल और करगिल का सुपर फास्ट चैनल एसटीवी लद्दाख आवाज करगिल। पवित्र आत्मा के नाम पर मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हम अपनी इस भाई के दर्शन दीदी को भाग लेने के लिए वहां जमा हुए हैं। हम अपनी प्रार्थना द्वारा कृष्ण के मुक्ति प्रद मरण और पुनरुत्थान को शक्ति पर अपना विश्वास प्रकट करते हैं। हम इस दुखित परिवार को अपनी सहानुभूति दिखाते इसे वे सच्चे वृद्ध प्रेम का अनुभव कर पिता ईश्वर की दयालुता पर पूरा भरोसा रख सके। हम प्रभु यीशु के बातें याद रखें
धक्के मान दे और बोझ से दबे हुए लोग, तुम सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। संत पौलुस के साथ बोलते हैं, धन्य है वो हमारे प्रभु यीशु क्राइस्ट का ईश्वर तथा पिता, परम दयालु पिता और शांति का ईश्वर, जो हमारे सब संगड़ों को में हमें दिलासा देते हैं। हम प्रार्थना करें, हे प्रभु, स्वर्ग राज में अपने इस पुत्र को प्रवेश पाने दे। तूने इस लोग में इनको अपने पास बुला लिया है, सारे पाप बंधन से इन्हें मुक्त कर, आनंद शांति और प्रकाश से आलोकित कर। तेरी दया से ये भी तेरे सब संतों और भक्तों के साथ पुनरुत्थान की महिमा प्राप्त करे। हमें प्रार्थना करते अपने प्रभु कृष्ण के द्वारा। चंद्र योगन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। यीशु ने अपने पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर, मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हम अपनी इस भाई के दफन विधि को भाग लेने के लिए वहां जमा हुए हैं। हम अपनी प्रार्थना द्वारा क्रिस्त के मुक्तिप्रद मरण और पुनरुत्थान को शक्ति पर अपना विश्वास प्रकट करते हैं। हम इस दुखित परिवार को अपनी सहानुभूति दिखाते, इसे वे सच्चे वृद्ध प्रेम का अनुभव कर पिता ईश्वर की दयालुता पर पूरा भरोसा रख सके। हम प्रभु यीशु के बातें याद रखे, धक्के मान दे और बोझ से दबे हुए लोग, तुम सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। संत पौलुस के साथ बोलते हैं, धन्य है वो हमारे प्रभु यीशु क्राइस्ट का ईश्वर तथा पिता, परम दयालु पिता और शांति का ईश्वर, जो हमारे सब संगड़ों को में हमें दिलासा देते हैं। हम प्रार्थना करें, हे प्रभु, स्वर्ग राज में अपने इस पुत्र को प्रवेश पाने दे। तूने इस लोग में इनको अपने पास बुला लिया है, सारे पाप बंधन से इन्हें मुक्त कर, आनंद शांति और प्रकाश से आलोकित कर। तेरी दया से ये भी तेरे सब संतों और भक्तों के साथ पुनरुत्थान की महिमा प्राप्त करे। हमें प्रार्थना करते अपने प्रभु कृष्ण के द्वारा। चंद्र योगन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। यीशु ने अपने
بسم الله الرحمن الرحيم. कल हमारे यहाँ कोविड हॉस्पिटल पर एक क्रिश्चियन का डेथ हुआ, तो कल से हमारे जवानों ने इसना श्री करगिल ने इनके दफन और इनको ताबूत बनाने में कब्र खोदने में मसरूफ़ रहा, तो कल शाम काफ़ी देर तक ये लोग वहाँ पर रहे। फिर काफ़ी देर हो चुके थे तो वहाँ से इनके पादरी आए थे ले से, तो उन्होंने ये डिसीजन लिया कि हम इसको अगले दिन दफन करेंगे, तो हमारे जवानों ने भी उसको साथ देते हुए आज के दिन संडे को उनका यहाँ पर दफन हुआ। तो इसमें हमारे अहले सुन्नत बरादरान अहले सुन्नत ने अपने कब्रिस्तान में इनके लिए जगह दिया कब्र के लिए, और हमारे जवानान इसना श्री करगिल ने इसमें पूरा तआवुन देकर इसको दफन करने में पूरा मदद किया, क्योंकि परदेसी थे, यहाँ इनका कोई था नहीं, तो हमारे जवानों ने इसना श्री करगिल ने इनके दफन और कफन में इनको मदद करके इसको आखिरी रसूमात अंजाम दिया। तो मैं बहुत ही मशकूर और ममनून हूँ हमारे जवानों का भी, और यहाँ के हमारे बरादर ने सुन्नत का भी, कि इस तरह से इंसानियत का एक पैगाम दुनिया तक पहुँचाने में हमेशा आगे रहते हैं और आगे रहा है, इंशाल्लाह हमेशा इस तरह आगे रहेंगे। और ये अल्लामा इकबाल का एक बहुत मारूफ शेर है कि कोई भी मजहब, कोई भी मिल्लत से हो, उसको इंसानियत का एक जज्बात हर इंसान में होना चाहिए, तो यही इंसानियत की एक पहचान है कि जिसमें इंसानियत हो वो किसी मज़हब को नहीं देखता, किसी मिल्लत को नहीं देखता, किसी अमीर को नहीं देखता, किसी गरीब को नहीं देखता, वो हर एक को एक ही नज़र में देखता है, एक ही नज़र में रखता है, चाहे कोई भी किसी भी मज़हब से, किसी भी मिल्लत से ताल्लुक़ रखता हो, चाहे किसी भी मुल्क से ताल्लुक़ रखता हो, जिसके अंदर इंसानियत हो वो हमेशा इंसान बचाने का काम करता है, इंसान की खिदमत खल्क में मसरूफ़ रहता है। तो यही हमारा इस्लाम भी हमें यही दर्स देता है, यही पैगाम देता है कि हमें इंसानियत को तहफ़्फ़ुज़ देना है, इंसानियत का एहतराम करना है, चाहे वो किसी भी मज़हब से, किसी भी मिल्लत से ताल्लुक़ रखता हो। हमारे मराजे इज़ाम ने भी हमें हमेशा यही ताकीद करते हैं कि किसी भी इंसान का जो है हक़ और हुकूक़ ज़ाया नहीं किया जाए, तो हर एक इंसान का एहतराम अपने अपने जगहों पर होना चाहिए।